हेलो एवरी वन आई होप सब अच्छे होंगे आई होप सबका टी एस जीरो वन अच्छा गया होगा एंड मेरी आपको वीडियो पसंद आई होगी so, हम इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं बी ई वी ए वन एट वन जिसका नाम है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स ऑन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ मैंने सर्च किया इस पर बहुत ही कम वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर सो सोचा वाई स्टूडेंट आई मेक ऑन दिस सो हम इसमें डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत सारे लोगों का वो था क्या बोलते हैं डाउट कि सर पिछले साल तो एम आए थे है ना और इस साल क्या आएगा तो लेट मी टेल यू कि पिछले साल जब एम आया था आपको दो घंटे दिए गए थे पर इस बार जो आपका स्केड्यूल आया है उसमें तीन घंटे का टाइम दिया गया है इट माइट पॉसिबल कि आपको लिखने के लिए आए डोंट टेक टेंशन उसका भी मेरे पास उपाय है मैं आपको इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अगर एम आएगा तो और भी सही है आप टिक 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 कर दीजिएगा और अगर लिखने को आएगा तो वो भी सही है उसमें भी टिक टिक कर दीजिएगा सो so, बेसिकली इसमें चार ब्लॉग्स हैं तो मैं हर चैप्टर्स का जो इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है हम उस पर अपना एलाइटमेंट डालेंगे ठीक है फर्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो ब्लॉक वन है ये ब्लॉक वन है ठीक है सेकेंड ब्लॉक है नेचुरल रिसोर्सेज थर्ड ब्लॉक है आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड कंसर्न्स फोर्थ ब्लॉक है एंड द लास्ट ब्लॉक है प्रोटेक्टिंग आर इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस ठीक है तो फर्स्ट ब्लॉक है उसमें तीन चैप्टर आते हैं फर्स्ट है आपका आर इन्वायरमेंट इको सिस्टम एंड मेजर इको सिस्टम अब मैंने सोचा लेट मी टेल यू कि मेरी जो बहन है वो साइंस की टीचर है है ना बायोलॉजी की टीचर है वो इलेवन ट्वेल्थ सबको पढ़ाती है वो सो मैंने सोचा कि वाई शूडेंट आई रिक्वेस्ट माई सिस्टर टू मेक वीडियो ऑन दिस आप सब बोलते हैं कि आपको मेरा समझ आता है कि मेरे वीडियो से आप पास हो जाते हैं सो आई एम डैम श्योर अगर आपको मेरा समझ आता है तो मेरी दीदी का तो समझ आएगा ही जो पढ़ाएगी क्योंकि वो ही मुझे पढ़ाती थी बचपन में सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सिस्टर मीनल मिश्रा सो वो आपको मैंने उसको लिटरली बताया हुआ है वो बोल रही थी कि इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो लंबे लंबे टॉपिक्स हैं बड़े बड़े हैं जिनको पढ़ाने के लिए टाइम लगेगा मैंने उसको बोला कि भाई हम लोग होटल मैनेजमेंट वाले हैं आपको उतना डीप नहीं पढ़ाना है वरना हमारी यहाँ से ऊपर जाएगा आपको पता भी नहीं चल पाएगा सो so, मैंने उसको बोला बस थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें से टॉपिक्स बस बता दे जिससे कि हम लोग वहाँ पे कुछ लिख पाएँ कुछ भी आए तो कुछ ना कुछ तो लिख ही दे वरना वो तो बोलती है कि भाई मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगी उस ऑब्वियसली इज़ साइंस साइंस टीचर शी इज़ बायोलॉजी टीचर तो उसको अच्छे से उसमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता तो मैंने बोला नहीं आप बस ऊपर ही ऊपर पढ़ाइए सो लेट एस स्टार्ट आपका फर्स्ट चैप्टर आई होप कि पसंद आएगा आपको लेट मी टेल इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरी दीदी का पढ़ाया हुआ कैसा लगा सो फर्स्ट चैप्टर है जो है आपका इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट एंड एन्वायरमेंटल स्टडीज़ अब हम स्टार्ट करते हैं लेट्स गो Hi, my name is Minal Mishra and I am Manthan's sister. So, in today's video, we will study about uh, environmental studies. And for this video, we will study in uh, like the block one, which is introduction to environment and environmental studies. In this, we will study three chapters, which is our environment, ecosystem, and major ecosystem. Uh, so, let's get started with what do you understand by environment? Environment, what do you understand? सराउंडिंगस दैट्स इन्वायरमेंट जो भी आपको दिख रहा है प्लांट्स एनिमल्स नॉन लिविंग थिंगस एवरी थिंग इज कंसिडर्ड योर इन्वायरमेंट विच इज़ सराउंडेड बाई यू विच सराउंडस यू सो दैट्स योर इन्वायरमेंट तो आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका एन्वायरमेंट है फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर आपका माउंटेंस में रहता है तो, तो वो उसका एन्वायरमेंट है पोलर रीजन नॉर्थ रीजन नॉर्थ पोल्स साउथ पोल्स में रहता है तो वो वहाँ पर उसका इन्वायरमेंट होगा आइस होगा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब उसके इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर किए जाएंगे सो लेट्स हेड ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट सो कंपोनेंट्स मतलब कि जो भी उन सबको मिला कर आपका इन्वायरमेंट बनता है तो कॉम्पोनेंट्स में हमने पहले ही बात किया कि इन्वायरमेंट के अंदर आपके दोनों ही लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं तो उसी को हम कॉम्पोनेन्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर कंसिडर करते हैं सो so, कॉम्पोनेंट्स को हम टू पार्ट्स में बांटेंगे विच इज़ ए बायोटिक एंड बायोटिक ए बायोटिक में आपका क्या क्या आता है सारा आपका एयर वाटर लैंड ये सब हमारा रॉक्स ये सब हमारा ए बायोटिक है विच इज़ नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है तो इसको हम ए बायोटिक कंसिडर करेंगे बायोटिक बायो मीन्स लिविंग ओके तो बायोटिक में हम क्या कंसिडर करेंगे बायोटिक में सारे प्लांट्स एनिमल्स और छोटे छोटे माइक्रोब्स ऑर्गेनिजम्स हम सबको मिला के ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट में सो कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट इज़ बायोटिक एंड ए बायोटिक नाउ विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में हमारा क्या आ गया हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट एंड थर्ड इज़ हीमन मेड इन्वायरमेंट ठीक है नेचुरल इन्वायरमेंट आपको जो दिखता है फॉरेस्ट आ गया इसके अंदर और आपका ये रिवर्स uh, आ गया पॉइंट्स आ गया जो भी इन्वायरमेंट होगा हमारा दिस इज़ नेचुरल इन्वामेंट ओके दूसरा आता है ह्यूमन मॉडिफाइड इन्वायरमेंट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे ग्रोथ में उसको हमने बस थोड़ा सा ट्रिम कर दिया ताकि वेजिटेशन ज़्यादा भी ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश कर सके तो दैट्स मैन मैन मॉड ह्यूमन मॉडिफाइड मैन मॉडिफाइड भी बोल सकते हैं ह्यूमन मॉडिफाइड ओके नेक्स्ट इज़ हमारा ह्यूमन मेड ह्यूमन मेड फॉर अब हम सोसाइटीज़ बनाते हैं सोसाइटीज़ में गार्डन भी डेवलप करते हैं तो वो हम गार्डन ह्यूमन ने खुद बनाया है ख़ुद कंस्ट्रक्ट किया है दैट्स वाई विल कॉल्ड इट ह्यूमन मेड ओके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट सो टाइप्स में हमारे टाइप्स uh, में हमारे कॉम्पोनेंट्स uh, में हमारे बायोटिक और ए बायोटिक आ गए और टाइप्स में हमारे आ गए नैचुरल ह्यूमन मॉडिफाइड एंड ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट लेट्स हेड ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज सस्टेनेबलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबलिटी फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट mm एग्जाम्पल -hmm. है हम इसको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम इससे वाटर सम, से समझ सकते हैं अब हम लगे पड़े हमने फ्रेश uh, वाटर बोला जा रहा है ख़त्म हो रहा है वाटर खत्म हो रहा है नेक्स्ट जनरेशन को आगे नहीं मिलेगा तो सस्टेनेबिलिटी ये होता है कि आप कोई भी रिसोर्स को ऐसे यूज़ करें कि वो फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एंड फॉर एवरी जनरेशन इट विल बी अवेलेबल तो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी मतलब कि वो यूसेज हम करते रहें पर उसका रिजर्वायर हमेशा बना का बना रहे लाइक like हम ऐसे यूज़ करें सो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी ठीक है नाउ विल वॉट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोथ आर सेम थिंग लाइक डेव हम ऐसे चीज़ें डेवलपमेंट हम अपना डेवलपमेंट हम ऐसे करें कि हम अपना ग्रोथ ऐसे करें कि फॉर अभी तो अभी आपको प्रेजेंट जेनरेन में वो चीज़ मिल रही है बट सेकेंड जेनरेशन थर्ड जेनरेशन में भी वो फ्यूचर जेनरेशन में भी वो अवेलेबल हो दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट योर इज़ द डेफिनेशन यू कैन स्टडी एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ स्टडी ऑफ़ इन्वामेंट तो वाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें क्यों पढ़ना चाहिए अगर हम पढ़ते नहीं तो हमें पता नहीं चलता कि ये चीज़ें रिसोर्सेज़ ख़त्म हो रहे हैं वाटर का थोड़ा डिप्लीशन हो रहा है या फिर हमारा ओज़ोन ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता क्लाइमेट चेंज पता नहीं चलता हमें हम उसके लिए डेवलपमेंट नहीं कर पाते उसके लिए हम आ, कुछ स्टेप्स नहीं ले पाते सो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा कि हम उस चीज़ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को हम आ, अच्छे से और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं जो चीज़ डिप्लीट हो रही है जैसे हम लोग बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है फॉर एग्ज़ाम्पल ओन से हमारा ओशन से ओशन में सारा सॉल्टी वाटर होता है उससे हमें फ्रेश वाटर मिले या फिर कंटिन्यूस सप्लाई हो और क्योंकि ओशंस आर लाइक सेवेंटी परसेंट ऑफ द अर्थ राइट सो दैट्स वाई और या फिर हम एटमोसफियरिक एटमोसफियर में से जो वाटर है वाटर वेपर है उसको लेकर भी हम फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं आजकल दे आर लाइक रियली वर्किंग ऑन दिस टेक्नोलॉजी और या फिर क्या ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन हो सकता है कोई भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है अगर पानी ख़त्म हो रहा है तो हाउ कैन वी लाइक रिमूव द थर्स्ट और समथिंग लाइक दैट वाटर uh, का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं वैसे बट uh, और भी चीज़ें हैं और भी सप्लीमेंट्स फॉर फॉर सन है हमारे पास सन से हमें विटामिन डी मिलता है बट uh, बहुत सारे एरियाज में फॉर एग्जांपल जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड पड़ता है बहुत ज़्यादा विंटर होता है हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम जिससे कि सन की अवेलेबलिटी ज़्यादा नहीं होती है तो दे हैव डिवलप दे हैव लाइक सप्लीमेंट्स फ़ॉर वाइटामिन डी ताकि उनको वाइटमिन डी की कमी ना हो तो एनी अल्टरनेटिव सोल्यूशन हम ढूंढ सके दैट्स वाई एन्वायरमेंटल स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ टू लिव अ क्वालिटी लाइफ लाइक हाउ कैन वी इम्प्रूव आर लाइफ सो दैट हम अपने इन्वायरमेंट को जितना ले रहे हैं इन्वायरमेंट से उतना ही दे सकें तो हाउ कैन वी इम्प्रूव लाइक द लिविंग ऑफ आर सेल्फ सो दैट वी कैन इम्प्रूव द एनवायरमेंट माई मानव जाति के सर्वाइवल के लिए वी हैव टू टेक स्टेप्स वी हैव टू टेक स्टेप्स अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेटिक चेंजेस सो दैट वी कैन सर्वाइव चैप्टर वन डन सो नाउ वील स्टडी अबाउट चैप्टर टू विच इज़ इको सिस्टम इको सिस्टम वॉट डू अंडरस्टैंड बाई इको सिस्टम सो हमने इन्वायरमेंट पढ़ा राइट इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा ए बायोटिक और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है एक एरिया so में विद दैट्स कॉल्ड इको सिस्टम सो इट इज़ अ जोग्राफिकल एरिया जिसमें द लिविंग एंड द नॉन लिविंग इंटरैक्ट विद ईच अदर सो दैट दे कैन फॉर्म अ लाइफ अगर आप एयर uh, नहीं लेंगे अंदर तो यू कॉन्ट लिव राइट या फिर पानी नहीं पियेंगे तो यू कॉन्ट लिव सो इंटरेक्शन दैट्स इंटरेक्शन मतलब कि लिविंग और नॉन लिविंग का इंटरेक्शन मिलना या फिर उनके बीच में इंटरेक्शन होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ So basically, ecosystem is a geographical uh, is an area, geographical area where living and non-living interact with each other so that they can form a bubble of life. Okay, so that's ecosystem. Ecosystem, mein, we have two features, which is structural feature and functional feature. So let's assume a car. Car, many, many components are there, right? Ek, uh, व्हील होता है डोर होता है ग्लास होता है इंजन होता है गियर होता है व्हील होता है सब कुछ होता है राइट right? ये सब उसको उसका स्ट्रक्चरल फीचर होता है मतलब कि दीज आर द कॉम्पोनेंट दीज आर द दार्ट्स जो मिलकर हमारा कार बनाता है ठीक है ये उसके पार्ट्स है तो जो भी इको एक, सिस्टम में हमारे पार्ट्स होंगे जैसे लिविंग हो गया नॉन लिविंग थिंग्स हो गए जितने भी हो गए एयर हो गया लैंड हो गया प्लांट्स हो गया एनिमल हो गया ऑर्गेनिज्म हो गया ये सारे हमारे किस में आते हैं स्ट्रक्चरल फीचर में दूसरा है हमारा फंक्शनल फीचर अब कार बन गई कार बन गई नाउ इट कैन रन राइट वो चल सकती है फंक्शन कर सकती है दैट्स वाई इट्स द फंक्शनल फीचर तो अब हमारे पास सारे ए बायोटिक और बायोटिक कॉम्पोनेंट्स आ गए नाउ दे कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर और वो वर्क कर सकता है तो so इस फंक्शनल फीचर के अंदर हमारे जितने भी फूड चेन फूड वेब न्यूट्रिएंट साइकिल और ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इंटरेक्शन से काम करती हैं तो दैट्स हमारा फंक्शनल फीचर अब हम मैंने बोला एक एरिया इको सिस्टम इज़ एन एरिया राइट जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग इंटरेक्ट करता है तो वॉट डू यू थिंक विच विल बी द लार्जेस्ट इको सिस्टम अर्थ तो अर्थ ही तो वो एरिया है जहाँ पे सारा लिविंग और नॉन लिविंग साथ में रहता है ओके <laughs> okay, तो द लार्जेस्ट इको सिस्टम विल बी बायो बायो मीन्स लिविंग स्फियर मीन्स स्फीयर, अर्थ तो जहाँ पर लिविंग एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ में दैट वुड बी कॉल्ड बायोस्फीयर, ओके अब ऐसा तो है नहीं अर्थ के हर एक कोने में आपको लिविंग थिंग्स मिल जाएगा नहीं है ना ऐसा तो जहाँ जहाँ आपको लिविंग मिलेगा दैट वुड बी कॉल्ड बायोस्फीयर फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ एकदम एक्स्ट्रीम कोल्ड रीजन्स में या फिर एक्स्ट्रीम हॉट रीजन्स में वॉल्कनों के अंदर तो आपको नहीं मिलेगा ना बा uh, कोई भी ऑर्गैनिज़म सो हंसिडर नहीं करेंगे या फिर एकदम बहुत ज़्यादा ठंड में नॉर्थ पोल एकदम वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेगा एक बार को जो एरिया में नहीं मिलेगा तो जहाँ पर आपका लिविंग रह सके जिस फीयर में तो दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर विच इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग एग्जिस्ट ओके तो बायोस्फियर को हम थ्री पार्ट्स में बांटते हैं लिथॉस्फियर हाइड्रॉस्फियर एंड हमारा आता है एटमोसफियर लेथॉसफियर मतलब कि लैंड एल फॉर लेथॉसफियर एल फॉर लैंड हाइड्रॉसफियर हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर हाइड्रा ओके तो हाइड्रो इज लाइक वाटर तो जो भी वाटर एरिया है जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एग्जिस्ट करते हैं दैट्स हाइड्रॉसफियर लिथॉस्फियर लैंड में जित जो भी फॉरेस्ट और ये सब जो भी एरिया जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग एग्जिस्ट करते हैं दैट वुड भी लिथॉस्फियर और जो एटमोसफेयर है दैट्स एयर ओके तो लेथॉसफियर इज लैंड हाइड्रॉसफेयर इज़ वाटर एंड एटमॉसफेयर इज़ एयर तो इसी से हमने बायोसफेयर को थ्री पार्ट्स में बांटा दिस फूड चेन वॉट डू अंडरस्टैंड बाई फूड चेन फूड चेन क्या है सिंपल सी बात है किसने किसको खाया हु इट्स हु दैट्स कॉल्ड फूड चेन फूड चेन सिंपल चेन मतलब कि कड़ी एक के एक के बाद एक के बाद एक तो फूड चेन में क्या हुआ किसने किसको खाया दैट्स कॉल्ड फूड चेन ग्रास को खाया डियर ने सबसे बेसिक एग्जाम्पल ग्रास को खाया डियर ने डियर को खाया शेर ने अब लायन फिर जब मरेगा तो उसके जितने भी आ, सब कुछ सीप आउट हो जाएगा सारा सॉयल में मिल जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो डिकीकम्पोज हो जाएगा फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फिर वही न्यूट्रिएंट्स वो बना के फिर से ग्रास में तो बेसिकली इट्स अ साइकिल टू तो बी ऑनेस्ट ये चलती रहती है तो फूड चेन इज़ हु ईट्स होम फूड चेन को दो पार्ट में बांटा हमने ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रीटस फूड चेन ग्रेजिंग फूड चेन में हमारा जितना भी आ, ये लैंड के ऊपर हो रहा है दैट्स कॉल्ड ग्रेजिंग फूड चेन ये जो हमारा ग्रास से डियर डियर से लायन ने खाया दिस वॉज अ ग्रेजिंग फूड चेन जब हमारा लीव्स हो गया या फिर कोई भी आ, लायन ही हो गया वो मर गया वो डिकम्पोज हो गया तो उसके अंदर फिर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डेट्रीवर्स ये सब जो होते हैं ये सब काम करते हैं वो जो फिर न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में डाल देते हैं तो दैट वॉज डेट्रिटस फूड चेन ओके और फूड वेब क्या होता है बहुत सारे अब ऐसा तो है नहीं कि वही स्पेसिफिक घास वही हिरण खाएगा और शेर सिर्फ हिरण को ही खाएगा नहीं ना ऐसा है नहीं तो इसीलिए बहुत सारे फूड चेन एक दूसरे में इंटर रिलेटेड होते हैं अब अब शेर का मन करेगा थोड़ा सा ज़ीब्रा को खाने का तो वो जीब्रा भी खाएगा ना तो ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ डियर को ही खाए सो दैट्स वायर मेनी फूड चेंस आर इंटर रिलेटेड तो दैट्स कॉल्ड फूड वेब ओके दैट्स कॉल्ड फूड वेब नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्री एन साइकिल सो वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई न्यूट्रीन साइकिल साइकिल वो चीज़ दोबारा लौट के वहीं आएगी लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉक क्लॉक ऐसा तो है नहीं नौ बस एक ही बार जिंदगी में बचता है वो दोबारा बचता है राइट right? तो so, अ साइकिल न्यूट्रिएंट साइकिल सो फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट हमारे हम बेसिक uh, न्यूट्रिएंट इसमें कार्बन वाटर और सल्फ़र uh, नाइट्रोजन ये सब पढ़ेंगे हम इनकी साइकिल कैसे चलती है मतलब कार्बन दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सब दोबारा कैसे बन जाता है ये वाटर हमारा वापस कैसे आ जाता है तो विल स्टडी इन दैट दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिय साइकिल न्यूट्रिय साइकिल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वन इज़ कैशियस एंड सेकेंड इज़ सेडीमेंट्री ठीक है गैशियस हमारे को नाम से ही पता चल रहा है गैस तो गैस है तो वो एयर में ही होगी ऑब्वियसली बात है तो जो गैशियस साइकिल है इसमें क्या होता है जो हमारा रिजर्व ऑयर रिज़र्व बोलते हैं रिजर्व या फिर स्टोरेज या फिर स्टोर या फिर श्रोत हिंदी में बोलते हैं मेनली हमारा एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं गैशियस साइकिल बेसिकली मेजर अमाउंट ज़्यादातर अमाउंट देखिए लैंड में भी प्रेजेंट होगा वाटर में भी प्रेजेंट होगा बट मोस्ट ऑफ द हमारा जो भी फॉर uh, एग्जाम्पल हम कार्बन लेते हैं ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड एयर में ही तो प्रेजेंट है ज़्यादातर तो इसीलिए हम कार्बन साइकिल गैशियस न्यूट्रिय साइकिल में पढ़ते हैं और दूसरा है हमारा सेडिमेंट्री न्यूट्रिय साइकिल इसमें जो हमारा रिजर्व या फिर श्रोत जो है बेसिकली द मेजर अमाउंट ऑफ द न्यूट्रियट इज प्रजेंट इन द लैंड तो दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंट्री न्यूट्रिएंट साइकिल आपके सिलेबस में थ्री गैश न्यूट्रिएंट साइकिल दी गई हैं विच इज़ कार्बन वाटर एंड नाइट्रोजन तो बहुत लाइक like, लिटरली सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में मैं आपको ये बताऊँगी वाटर साइकिल लेट स्टार्ट विथ वाटर साइकिल वाटर जो है हमारा एयर माई प्रजेंट है ठीक है रेन के फॉर्म में वो हमारा लैंड में आया लैंड में आया लैंड में फिर हमारा इवेपोरेट होके वापस से एयर में चला गया सो दिस इज़ द वाटर साइकिल सो नेक्स्ट इज़ कार्बन साइकिल सो सबसे मेजर रिजर्वायर फॉर द कार्बन इज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर करता है प्लांट्स तो प्लांट्स से कार्बन डाइऑक्साइड लिया ऑक्सीजन निकाला फिर हमने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया सो दैट द साइकिल वो वापस से रिजर्वर में पहुंच गया तो दिस इज़ द कार्बन साइकिल नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन साइकिल तो नाइट्रोजन लाइक इन आर एटमोसफेयर दिस एयर हमारा ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन विच इज़ अराउंड सेवेंटी परसेंट हमारा एटमोसफेयर में नाइट्रोजन ही है तो नाइट्रोजन ऐसे ही नाइट्रोजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आर हेल्थ फॉर बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स एंड एवरी थिंग लाइक डी एन ऑल हम अगर जो नाइट्रोजन है अगर हम ले लेते आराम से एयर से दैट वुड भी बहुत अमेजिंग होता और ईजी प्रोसेस होता बट नो no, हम नहीं ले पाते हैं नाइट्रोजन को सो so, हमारे जो दाल होते हैं हम बोलते हैं ना दाल खाया करो हमेशा दिट विल गिव यू बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स एंड ऑल तो so, ये नाइट्रोजन की वजह से ही होता है तो so, क्या होता है जो हमारे प्लांट्स होते हैं स्पेसिफिकली फ्यू प्लांट्स उनके पास एक स्पेशल हेल्पफुल बैक्टीरिया होता है राइसोबियम uh, बोलते हैं वैसे उसको तो वो क्या करता है वो उनके रूट्स में जाके सेटल हो जाता है और एटमॉसफियर से नाइट्रोजन लेके फिक्स कर देता है और ऐसा फिक्स करता है कि नाइट्रोजन हमारा प्लांट uh, ले लेता है तो ये सिर्फ स्पेसिफिकली प्लांट्स में जिसको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जो कि हमारे दाल चना ये सब हो गए इन सब में होता है फिर हमने दाल खाया चना खाया हमने नाइट्रोजन इनटेक किया ठीक है फिर नाइट्रोजन इनटेक किया हमने प्रोटीन रोटीन बनाया ये जो भी है फिर हमने एक्सक्रीट किया वो चीज़ या फिर हम जब हमारी हमारी डेथ भी हो गई या फिर हम आ, हमारी जो लीव्स और ये सब प्लांट्स है ये भी डेथ हो गए ये सब का इन सब आ, और हमारा एक्सक्रीटा ये सब जो भी चीज़ है ये सब हमारा फिर सॉइल के अंदर गया सॉइल के अंदर जाके ये एक डी बैक्टीरिया होता है जो कि वापस से नाइट्रोजन को एयर में भेज देता है तो ये साइकिल दोबारा चलती रहती है पूरी तो दिस इज़ नाइट्रोजन साइकिल नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर विच इज़ द जिसके रिजर्वायर हमारा लैंड में होता है दैट सल्फ़र सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आता है हमारा सल्फर साइकिल एक ही सल्फर साइकिल पढ़ना है हमें आपके सिलेबस uh, में सल्फ़र साइकिल ही दिया गया है सो सल्फर साइकिल इसको हम मैं बहुत ज़्यादा इजी चीज़ में बताने वाली हूँ बस दो सेंटेंस में लाइक फॉर एग्जांपल हमारे वॉल जो हमारा सल्फ़र है वो मेजरली रॉक्स में प्रेजेंट होता है तो रॉक्स का जब हमारा जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्पल वॉलकैनिकराप्शंस होता है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें है, होती हैं बहुत सारे डिफ़िकल्ट टर्म्स है कोई बात नहीं आ, तो वॉलकैनिकराप्शंस होता है तो वॉलकैनिकराप्शंस होता, तो होता है उससे हमारा जो सल्फ़र होता है वो एयर में जाता है एयर में गया फिर वहाँ से वो और भी क्लाउड में इकट्ठा हुआ मान लीजिए और वो रेनफॉल के थ्रू वाटर में आ गया वाटर में आके फिर वो नीचे कलेक्ट हो गया सो दिस इज़ सो सिंपल हमने भी वाटर पिया वो सल्फर हमारे अंदर भी हल्का फुल्का आया फिर वो हमने एक्सक्रीट कर दिया एंड ऑल दिस वॉज वेरी 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 बेसिक अबाउट द सल्फ़र साइकिल एंड द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं कि अब ज़रूरी तो है नहीं कि जो फॉरेस्ट अभी है वो स्टार्टिंग जब से लाइफ स्टार्ट हुई होगी वो तब से फॉरेस्ट होगा राइट right? या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग जहाँ रह रहे हैं वो भी डेवलप हुआ राइट right? पहले कैसा था हमारा नॉर्मल एक हट्स हट्स थे वहाँ पे बहुत वह सारे फिर धीरे धीरे मकान बने फिर बिल्डिंग्स खड़ी हो गई और बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ राइट सो ऑर्डरली चेंजेस विच टेक्स प्लेस दैट्स कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द ऑर्डरली चेंज ऑफ स्पीशीज़ मतलब पहले कोई और स्पीशीज़ थी फिर दूसरी स्पीशीज स्पीशीज़ एज इन फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पहले कोई और प्लांट था फिर दूसरा प्लांट आ गया फिर और बड़ा प्लांट आ गया और फिर उस पूरा बहुत सारे प्लांट्स ने इन्बिट कर लिया और पूरा फॉरेस्ट बन गया सो दिस इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत सिंपल टर्म्स में ठीक है इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम टू पार्ट्स में बांटते हैं प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन प्राइमरी में पता क्या आता है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एरिया है वहाँ पे कुछ भी नहीं है बंजर एरिया है स्टार्टिंग से तो वहाँ से हमारा जो पूरा वेजिटेशन ग्रो होगा पहले छोटे छोटे ग्रास आएगा फिर छोटे लंबे प्लांट्स आएंगे फिर ग्रास प्लांट्स फिर ट्रीज़ सो ये सब हर्ब्स शर्ब्स ये सब चीज़ें आएंगी ठीक है तो, तो दिस इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन सेकेंडरी सक्सेशन में हमारा क्या आता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई एरिया था वहाँ पे मस्त एकदम फॉरेस्ट था फिर वो जल गया वो जल गया पूरा जल गया फॉरेस्ट उसके बाद दोबारा नया फॉरेस्ट बना मतलब कि वो ऑलरेडी वहाँ पे सॉयल फॉर्मेशन हो चुका था सॉइल फॉर्मेशन हो चुका था ऑलरेडी वहाँ पे वेजिटेशन था बट ड्यू टू सम कॉज या फिर कोई भी कोई भी ड्यू टू सम कॉज फायर हो गया या फिर बाढ़ आ गई इस सब के वजह से वो वेजिटेशन हट गया वो प्लांट्स हट गए तो ये हमारा फिर से दोबारा ग्रो हुआ पूरा वेजिटेशन पूरा फॉरेस्ट दोबारा ग्रो हुआ दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन अंडरस्टूड प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है कुछ भी नहीं है एकदम सॉयल अब स्टार्टिंग से सॉइल बनना सॉयल बनेगा फिर धीरे धीरे उसमें वेजिटेशन आएगी प्लांट्स आएंगे तो जो पूरा ऑर्डरली प्रोसेस होगा वो होगा प्राइमरी सक्सेशन और जो ऑलरेडी पहले इन था वो ड्यू टू सम कॉज खत्म हो चुका फिर वहाँ पर दोबारा हुआ तो दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी सक्सेशन अंडरस्टुंड सो दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर चैप्टर फॉर दिस ब्लॉक इज मेजर इको सिस्टम चैप्टर थ्री विच इज मेजर इको सिस्टम इको सिस्टम गाई इज इको सिस्टम मेजर इको सिस्टम क्या हो सकते हैं मेजर इकोसिस्टम को इको सिस्टम को हम टू पार्ट में बांटते हैं लैंड और वाटर तो लैंड को हम क्या बोलते हैं टेरिस्ट्रियल इको सिस्टम एंड वाटर इज एक्वेटिक इको सिस्टम करेक्ट तो टेरेस्ट्रियल में जितना भी लैंड वाले इकोसिस्टम होंगे फॉरेस्ट आ गया हमारा और ये डेजर्ट आ गया हमारा माउंटेन्स आ गया ये सारा जो भी होगा ये हमारा आता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में और एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आ गया रिवर ओशन पॉन्स लेक्स एस्टुरीज ये सब आ गया करेक्ट तो so, हमारा ये होता वैसे फॉरेस्ट इको को मैं आपको और इलाबोरेट करके बता सकती बताऊँ क्या नहीं ठीक है ये आ गया तो so, मेजर हम अगर टेरेस्ट्रियल इको में मेजर बोले तो हम फॉरेस्ट पढ़ते हैं फॉरेस्ट इको सिस्टम डेजर्ट इको सिस्टम और हमारा आ जाता है ग्रास लैंड सिस्टम ठीक है और एक्वेटिक इको सिस्टम में मेजरली हम पढ़ते हैं फ्रेश वाटर मरीन एंड हमारा आता है ब्रैकिश फ्रेश वाटर जो कि हमारा पॉन्ड्स uh, हैं जो सॉल्टी वाटर नहीं है जो हम लोग आराम से हमें पॉन्ड्स हो गया रिवर्स हो गया ये सब हमारे आते हैं फ्रेश वाटर इको में दूसरा है हमारा मरीन इकोसिस्टम मरीन में हमारा क्या आता है सॉल्टी वाटर बेसिकली ओशियन सी ये सब हमारे क्या आते हैं ये सब है हमारे मरीन इकोसिस्टम खारा पानी खारा पानी सॉल्टी वाटर ठीक है और ये जहाँ पर रिवर और हमारे ओशियंस ये सब जो मिलते हैं तो यहाँ पे एक मिक्स मिक्सचर ऑफ टेक्सचर होता है ना ही ज़्यादा सॉल्टी वाटर होता है ना ही ज़्यादा मतलब फ्रेश वाटर दैट्स मिक्सचर वहाँ पे आपको दोनों फ्रेश वाटर की भी फिशेज़ मिलेंगी और ये हमारे मरीन वाटर की भी फिशेज़ मिलेंगी तो ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर ओके okay? ब्रैकिश वाटर ठीक है तो यहाँ पर हमारे एस्चूरीज आ गए और ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है काफ़ी इतना ठीक <laughs> है नेक्स्ट uh, नेक्स्ट हम एकटिक इको को दो पार्ट्स में बांट देते हैं लोटिक एंड लेंटिक ध्यान से समझेंगे इसको बहुत ईजी है लोटिक में हमारा मूवमेंट हो रहा होता है वाटर सो वॉटर का मूवमेंट कहाँ कहाँ हो रहा होता है हमारा ओशंस में हो रहा होता है रिवर्स में हो रहा होता है राइट सो दीज आर लोटिक लोटिक एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर कंटिन्यूसली हैपनिंग और लेंटिक मतलब कि पानी रुका हुआ है स्टैंडिंग वाटर तो स्टैंडिंग वाटर में हमारा क्या आ जाएगा पॉन्ड अब पॉन्ड ऐसा तो है नहीं कि दूसरे पॉंड में ऐसे घूम के जा रहा है है ना पॉन्ड हो गया लेक हो गया ये सब के वाटर रुका हुआ है तो दैट्स कॉल्ड लेंटिक सो दैट्स इट दैट्स इट दैट वॉज द चैप्टर होप आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश की क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है लाइक थ्री चैप्टर्स इन वन वीडियो हैथ सो या अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट टाइप इट इन कॉमेंट सेक्शन एंड आई रिप्लाई टू इट थैंक यू बाई आई होप क्या आपको ब्लॉक वन समझ आया होगा अभी एक ही वीडियो में तीन तीन चार चार चैप्टर करना इज लाइक बहुत सारा बर्डन सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लॉक सेकेंड और ब्लॉक थर्ड एंड ब्लॉक फोर्थ अगर आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन आई वुड लव टू रिप्लाई दैट माई सिस्टर वुड लव टू रिप्लाई दैट एंड डू लेटेस्ट की आपको समझ आए कि नहीं एंड डोंट फॉगो टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ अगले वीडियो को जरूर देखें क्योंकि दैट वुड बी मच मोर हेल्पफुल फॉर यू जैसे कि आप लिख पाएंगे वहाँ पे सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू मोरो बाय बाय